जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बापू के विचारों को पढ़ती आई हूँ और आज ये कहना चाहूंगी कि बापू के विचारों को अगर सत्य निष्ठा से कोई आगे लेकर के जा रहा है तो वो एनडीए की सरकार है। एक युवा है और युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम कहना चाहेंगे कि एनडीए की सरकार में द यूथ इज बीइंग इक्विप्ड विद नेसेसरी स्किल्स एंड नॉलेज टू फेस ग्लोबल चैलेंजेस। ऑनरेबल स्पीकर सर, आई राइज विद इमेंस ग्रेटिट्यूड एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर हर इनकरेजिंग एनथ्रॉलिंग एंड encouraging speech addressed to the parliament. It is with great pride and wholehearted support and appreciation for the vision that she has laid out for us. Rojasvi Pradhan Mantri Shri Narendra Modi ji ke netritva mein Bharat lagatar vikas ki or agrasar hai. School aur vidyalay mein hi Bapu ke vicharon ko padhti aayi hu aur aaj ye kehna chahungi ki Bapu ke vicharon ko agar satya nishtha se koi aage lekar ke ja raha hai to wo NDA ki sarkar hai. सर, बापू का विचार था कि गरीबों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए और एनडीए की सरकार बखूबी ये कर पा रही है। देश में 4 करोड़ से ज़्यादा पीएम आवास योजना की स्वीकृति, 12 करोड़ परिवारों में 55 करोड़ व्यक्तियों को पीएम आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा मिला है, 25 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बाहर लाया गया है सर, और 80 करोड़ आबादी को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभ लगातार मिल रहा है। एनडीए की सरकार ने बिना धर्म जात पूछे गरीबों का उत्थान किया है और उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। सर, हम बिहार से आते हैं और बिहार ने 2005 से लगातार एनडीए को बुलंदी और मजबूती दी है। बिहार में एक नेता, नियत, नेतृत्व और कड़ी निष्ठा से एनडीए बिहार को उसका गौरव और एक नया कीर्तिमान वहां पे विकास का गढ़ रहा है। हमारे पार्टी के नेता श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलकर दलित, शोषित और वंचित वर्गों को आगे बढ़ाया है। आज हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात कर रहे हैं और उनका एक कोट पढ़ना चाहेंगे। आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच द वुमेन हैव अचीव्ड। सरकार ने वुमेन रिजर्वेशन एक्ट दे करके 33% आरक्षण देकर के सांसद में महिलाओं के आवास को ना सिर्फ बुलंदी दी है बल्कि उनके अधिकारों की भी लड़ाई लड़ी है। लखपति दीदी की योजना, उज्ज्वला योजना और महिलाओं को मुद्रा लोन देकर के महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया गया है। अगर आज हम आर्थिक स्थिति की बात कर रहे हैं तो हमें अर्थव्यवस्था की भी बात करनी चाहिए, और देश आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2047 तक विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश को विकास का एक व्यापक स्वरूप मिल रहा है। किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को न्यूनतम राशि मिल रही है जिससे उनकी स्थिति में बढ़ोतरी हो रही है, और आत्मनिर्भर भारत का जो ये सोच है उससे भारत विश्व स्तर पर एक अपना पहचान बना रहा है। अगर हम विश्व स्तर की बात करें तो G20 के न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में 100% ग्लोबल कंसेंसस के साथ भारत आज एक विश्व मित्र के रूप में स्थापित हो रहा है। ऑनरेबल स्पीकर सर, एक युवा है और युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम कहना चाहेंगे कि एनडीए की सरकार में द यूथ इज बीइंग इक्विप्ड विद नेसेसरी स्किल्स एंड नॉलेज टू फेस ग्लोबल चैलेंजेस विद इनिशिएटिव्स लाइक स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया एंड स्टार्टअप इंडिया। सर, बिहार के युवाओं की लगातार एक मांग रही है कि बिहार को विश्व राज्य का दर्जा मिले, बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसीलिए हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि इसके लिए अगर नीति आयोग में कुछ बदलाव किया जाए तो उस पर उनकी विशेष दृष्टि हो और बिहार को भी आगे बढ़ने का सामान्य अधिकार मिले। सर, आई एम फर्मली कन्विंस्ड दैट विद कंटिन्यूस एफर्ट्स and visionary policies of the NDA government, Bihar will be an example for the development of the entire nation. I want to reaffirm our commitment and Lok Jan Shakti Party's commitment to NDA's leadership, aur hum apne rashtriya adhyaksh Shri Chirag Paswan ji ko bhi dhanyawad dena chahenge ki aaj unke wajah se Bihar ke mahilaon ko aur yuvaon ko bhi awaaz mil raha hai. Is sadan ki garima aur is sadan ke itihas ko dekhte hue sir do pankti padhna chahenge. जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं,
जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। धन्यवाद स्पीकर सर, थैंक यू। थैंक यू संभव जी।